हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.17। इसमें कह रहा है ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। दोस्तों, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर दो टाइप के एक्सेलरेशन लग सकते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या सेंटीपेटल एक्सेलरेशन बोलो। क्लियर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर उसकी स्पीड वेरी कर रही है, अगर उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो कंफर्म है। क्लियर? लेकिन अगर उसकी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन में, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक ही टाइप का एक्सेलरेशन लगता है, वो होता है सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। वो हर पॉइंट पे लगता है टुवार्ड्स सेंटर। क्लियर? जैसे मान लो ये आपने कोई हैंड है और ये स्टोन हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन करा रहा है, तो ये स्ट्रिंग इस पे इस पार्टी स्टोन पे किधर फोर्स लगा रही है? ये देखो, फोर्स ऑन स्ट्रिंग स्टोन बाय स्ट्रिंग, फोर्स ऑन स्टोन बाय स्ट्रिंग। तो ये किधर लग रहा है? फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, सेंटीपेटल फोर्स। और अगर सेंटीपेटल फोर्स लग रहा है तो ये इस पे क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, उसको कहते हैं सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। अब यहां पर पार्टिकल आओ, जैसे मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल है और ये स्टोन मूव करवा रहा है, इसकी 80 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हर जैसे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, यहां पे टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। क्लियर? एक्सेलरेशन। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता लग गई ना, टुवर्ड सेंटर, और मैग्नीट्यूड कितना होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर, स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस, रेडियस ऑफ द दैट इज सर्कल। अब स्पीड आप कैसे निकालोगे? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके जी, जैसे मान लो इनिशियल यहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल 1111 इधर आया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टोन? यहां से स्टार्ट हुआ, चला 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 यहां पे पहुंच गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया? दोस्तों, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस ट्रेवल्ड कर लिया, और वो कितना होता है? 2πr। ये जो यहां से यहां गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये डिस्टेंस कितना है? 2πr। तो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, और इसको कहते हैं वन रिवोल्यूशन, 2πr, टू रिवोल्यूशन, 2πr, थ्री रिवोल्यूशन, तो कितने 14 रिवोल्यूशन हो गए, और हर रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना होता है? 2πr होता है, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा इसमें? 25 सेकंड। क्लियर? तो ये आपको आ गई, तो r पता ही है, निकाल लो एक्सेलरेशन, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? वहां पुट करो, देखो 14 × 2 × 22/7 × आर, मीटर में बदल लेना उसको, 0.8 बटा 25 का होल स्क्वायर बटे आर 0.8। तो एसी इक्वल्स टू ये 7 × 2 = 14 और देखो 4/88 × 0.8 / 25² / 0.8। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? एक काम करो, इसको करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको हटा दो, 80 हो गया, सॉरी, तो 25 3.2 हो गया, तो 88² × 3.2² / 10000 × 0.8, तो 3.22 0.8, ये 4 बार गया, तो 88 × 88 × 4 × 3.2 / 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको गुणा करना तो ये आपके पास में आ जाएगा 9.9 m/s². दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है।